हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमने गूगल मीट पर कंपेयरिंग नंबर्स किए थे, बिगर एंड स्मॉलर। बिग मतलब बड़ा और स्मॉलर मतलब छोटा। तो बेटा, जो बिग नंबर होगा उसका मुंह बड़ा होता है और जो छोटा होता है उसकी पूंछ होती है। और जो बराबर नंबर होता है, दोनों एक जैसे नंबर होते हैं। यदि दो एप्पल लिए, दो जाम लिए, वो हो जाता है इज इक्वल। दोनों एक जैसी चीजें मतलब बराबर है, वो हो जाता है इज इक्वल। तो जो हमने आज पढ़ा है उसी का मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ। जैसे बेटा ये 1, 2, 12 और 1, 0, 10 लिखा है। तो विच वन इज बिगर, जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है और जो पहले आता है वो छोटा होता है। तो 1, 2, 12 और 1, 0, 10, तो उसमें 1, 2, 12 बिग है और 1, 0, 10 स्मॉल है। तो देखिए, ये जो है बड़ा मुंह 1, 2, 12 की साइड है और जो ये छोटा मुंह है, जो पूंछ है, वो 1, 0, 10 की साइड है। तो ये हो गया आपका 12 बिगर और 10 स्मॉलर। अब नेक्स्ट है 2, 5, 25 और 4, 0, 40। अब आप बताइए कौन सा नंबर इसमें आपको बिग दिख रहा है। 4, 0, 40। तो 4, 0, 40 की साइड हमने उसका मुंह बड़ा है और 2, 5, 25 की जगह पूंछ छोटा है या उसकी पूंछ छोटी है। तो आपको ये नहीं भूलना है, हमेशा बड़ा आपको मुंह बड़े नंबर से आगे रखना है और छोटा छोटे नंबर से आगे रखना है। बड़ा नंबर बाद में आता है, छोटा नंबर पहले आता है। नंबर 3, 1, 0, 10 और 1, 0, 10। देखिए, ये भी 1, 0, 10 लिखा है, ये भी 1, 0, 10 लिखा है। तो ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया है। एक जैसे नंबर पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। 3, 2, 32, 5, 5, 55। अब 3, 2, 32 स्मॉलर नंबर है और 5, 5, 55 बिगर नंबर है। तो बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर का मुंह बड़ा है और स्मॉलर नंबर का मुंह छोटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने क्लास में भी किया है। नेक्स्ट है 6, 0, 60 और 7, 0, 70। तो 7, 0, 70 बाद में आता है, 6, 0, 60 पहले आता है। तो ये 7, 0, 70 बिगर नंबर हो गया और 6, 0, 60 स्मॉलर नंबर हो गया। तो देखिए, स्मॉलर को मैं आपको बार बार बता रही हूँ, स्मॉलर की साइज छोटी होती है और बिगर का साइज, बिगर का मुंह बड़ा होता है। इसी से रिलेटेड हम स्मॉलर नंबर को रीक करेंगे और बिगर नंबर को टिक करेंगे, ये भी हमने किया है। तो बेटा देखिए, ये 1, 5, 15 लिखा है और ये 1, 6, 16 लिखा है। तो देखिए, 1, 5, 15 स्मॉलर नंबर है, इसलिए हमने रिंग किया है, सर्कल किया है। और 1, 6 ग्रेटर नंबर है, इसलिए हमने उस पर टिक किया है। टिक करना मतलब राइट का निशान लगाना। तो जो स्मॉलर नंबर है उसको हम सर्कल करेंगे, रिंग करेंगे और बिगर नंबर को टिक करेंगे। दिस वन इज 2, 0, 20 और 1, 0, 10। तो 10 इज अ स्मॉलर, 10 क्या है, स्मॉलर है, इसलिए मैंने इसको सर्कल बनाया है, रिंग बनाई है। और 2, 0, 20 बिगर नंबर है, इसलिए इसको हम टिक करेंगे। डोंट फॉरगेट, हमने ये बिगर नंबर को टिक कर रहे हैं, आपको उल्टा भी करना पड़ सकता है। 1, 2, 12 और 1, 3, 30। तो देखिए, 12 पहले आता है, 13 बाद में आता है। तो 13 इज अ बिगर नंबर, 13 इज अ बिगर नंबर, सो पुट साइन राइट। आपको क्या करना है, सिर्फ राइट का निशान लगाना है और 1, 2, 12 को आपको सर्कल करना है। छोटे नंबर को हम सर्कल कर रहे हैं, रिंग बना रहे हैं और बड़े नंबर को, बिगर नंबर को टिक कर राइट का निशान लगा रहे हैं। लास्ट वन है 1, 6, 60, 1, 7, 70। तो 70 इज अ बिगर नंबर, तो बिगर नंबर को मैंने यहाँ पर राइट का निशान लगाया है, टिक किया है और 1, 6, 60 को हमने सर्कल किया है, क्योंकि 1, 6, 60 स्मॉलर नंबर है और 1, 7, 17, 16 के बाद आता है, इसलिए वो बिगर नंबर है। तो स्मॉलर को हमने सर्कल कर दिया और 17 को टिक कर दिया।
ठीक है।